Chairman, let's proceed ahead with your technical snap for internal combustion engine. Yes, sir. And let me start with auto cycle. Yes, sir. कितनी होती है efficiency auto cycle की? सर एफिशिएंसी अप्रोक्स किसी भी साइकिल की है 30-35-40 के बीच में ही रेंज आती है इनकी। यस सर। और डीजल साइकिल की कितनी होती है? सर डीजल साइकिल की बेसिकली अगर ऑटो साइकिल के कंपैरिजन में डीजल की ज्यादा ही होती है, बट उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता सर, बट अच्छा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी यस सर 90% हो सकती है क्या? नहीं सर। आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। फॉर्मूला है कोई ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का? यस सर। देखो सर टाइप कर सर राइट करके बस सर मैं वर्बली बता दूं। वर्बली बताओ। 1 - 1/r - γ - 1 1 - 1/r - γ - 1 गामा कितना होता है? 1.4। अब r की वैल्यू को अगर मैं बहुत थोड़ा ले लूं, यस सर, ये बहुत ज्यादा ले लूं सर, बढ़ा देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाए। सॉरी सर, अगर मैं r की वैल्यू कुछ ले लूं, यस सर, एफिशिएंसी 0.8 नहीं हो सकती? 0.8 सर, बेसिकली गामा की हम वैल्यूज देते हैं ना एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसीज में, गामा इज ओके 1.4, बट r तो कुछ भी लिया जा सकता है सर। r बट r की वैल्यू, r की वैल्यू पेट्रोल इंजन में कितनी होती है? 1.4 आर की कंप्रेशन रेशियो? नहीं सॉरी सर, कंप्रेशन रेशियो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज बिटवीन कंप्रेशन रेशियो एंड गामा फॉर पेट्रोल इंजन 6-10 एंड डीजल सर 16-20। अच्छा अगर मैं ऑटो साइकिल में आर की वैल्यू यस सर 20 ले लूं, 20 सर ये पॉसिबल नहीं होगा सर, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो कम रखेंगे तो ही पेट्रोल इंजन जो हमारा ऑटो साइकिल वर्क करेगा। नहीं कर रहा हूं, मैं ऑटो साइकिल की बात कर रहा हूं। सर ऑटो साइकिल वर्क्स ऑन लो कंप्रेशन रेशियो दैट इज 6-20। पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन लो कंप्रेशन रेशियो, नॉट ऑटो साइकिल। साइकिल और इंजन में बहुत फर्क होता है। यस सर। साइकिल साइकिल है, थ्योरेटिकल पेपर पे होती है, इंजन गाड़ी के अंदर होता है, प्रैक्टिकल होता है। अब मेरे को ये बताओ ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में एफिशिएंसी ज्यादा किसकी है? सर अगर हम सेम कंप्रेशन रेशियो की देखेंगे तो ऑटो साइकिल की ज्यादा आएगी, और अगर अदर पैरामीटर्स देखेंगे तो फिर डीजल साइकिल की ज्यादा होगी। इसको मतलब हम सेम कंप्रेशन रेशियो भी रख सकते हैं साइकिल में? यस सर। अब मेरा क्वेश्चन दोबारा वही है कि क्या ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी 80% हो सकती है? सर 80% तो नहीं हो सकती सर, क्योंकि और भी हो सकती, मान लिया इंजन की नहीं हो सकती, लेकिन साइकिल की हो सकती है कि नहीं? सर ऑटो साइकिल की तो हो ही सकती है, क्योंकि कार्नोट साइकिल के कंपैरिजन में अगर कम होगी तो फिर हो सकती है। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है? सर वो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी उसी की होगी थ्योरेटिकल, वो जितना हमारे पास सोर्स और सिंक का टेम्परेचर होगा उस बेसिस पे ही डिफाइन होगी वो। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे कि कार्नोट की ऑटो से हमेशा ज्यादा होगी? सर बिकॉज हम कंपैरिजन में कार्नोट को लेते हैं ना, क्योंकि कार्नोट जो है वो हर एक चीज को आइडियल मतलब रिवर्सिबल लेता है, जो हीट ऐड होगी वो भी वो एडिशन पॉइंट तक भी वो उसको रिवर्सिबल ही काउंट करता है, और जो उसके प्रोसेसेस होते हैं वो भी सारे रिवर्सिबल होते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो सबसे वो कंपैरिजन में ली जाती है, और वो हाइपोथेटिकल एफिशिएंसी है, थ्योरेटिकल वो है नहीं है ऐसी पॉसिबल, क्योंकि हम कंपैरिजन में बाकी साइकिल को उससे कंपेयर करते हैं। दैट इज उसकी अमन, आप सोच के मेरे को इस चीज का आंसर करें कि कार्नोट साइकिल सबसे ज्यादा एफिशिएंट क्यों मानी जाती है, सोच के बताइए। आप आंसर दे रहे हैं लेकिन वो क्लियर नहीं है, तो सोचिए थोड़ा फिर आंसर दीजिए कि व्हाई कार्नोट साइकिल इज द मोस्ट एफिशिएंट थर्मोडायनेमिक साइकिल। सर बिकॉज कार्नोट सर वो हीट एडिशन को मैक्सिमम टेम्परेचर, जो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में, वो मैक्सिमम लेता है, वाइल हम अगर ऑटो साइकिल को देखेंगे तो एम्बियंट टेम्परेचर पे वर्क करता है, एम्बियंट एडिशन, और जब सिंक टेम्परेचर है वो भी एम्बियंट टेम्परेचर लेता है। अच्छा ये बताइए मेरे को कि ऑन और कौन सी साइकिल होती है जिसकी एफिशिएंसी कार्नोट जितनी बनाई जा सकती है? कार्नोट जितनी सर ऐसी तो कोई साइकिल होगी नहीं, उससे कम ही होगा जिसका भी होगा। वैसे तो कार्नोट के बराबर हम स्टर्लिंग साइकिल हो गई या एरिक्सन साइकिल, उनको हम मानते हैं इक्वल।
कार्नोट बिकॉज दे आर ऑल्सो रिवर्सिबल साइकिल्स. ओके, लेकिन किस रीजनरेटिव, आइडियली रीजनरेटिव साइकिल का नाम सुना आपने? यस सर. वो क्या होती है सर? रीजनरेशन के केस में हमारी जो है वो एफिशिएंसी बढ़ती है पावर प्लांट, बेसिकली पावर प्लांट की व्हाइल दे वर्क. ये आपका जो टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? सर टू स्ट्रोक में हमें पावर हर रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में मिलती है, व्हाइल फोर स्ट्रोक इंजन में हमें दो रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में एक पावर स्ट्रोक मिलती है. इसका मतलब टू स्ट्रोक जो डबल पावरफुल होना चाहिए? यस सर, टू स्ट्रोक की पावर ज्यादा होती है. सर डबल नहीं होगी क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं जब हम इनलेट लेते हैं, तो जब एग्जॉस्ट के एग्जॉस्ट पोर्ट से जब एग्जॉस्ट बाहर जाता है तो कुछ जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो भी उसके साथ बाहर चला, उस वजह से. सर स्कैवेंजिंग प्रोसेस. स्कैवेंजिंग प्रोसेस, तो इसमें बिना स्कैवेंजिंग के नहीं डिजाइन कर सकते हम इंजन को, टू स्ट्रोक को? नहीं सर, स्कैवेंजिंग एग्जॉस्ट गैसेस को तो आउट करना ही पड़ेगा ना, तो इसमें पोर्ट मैकेनिज्म यूज होता है, तो फिर एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू, ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू जब फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर उसको बाहर निकालेगा तो फोर्स करेगा हाई प्रेशर. जो फोर स्ट्रोक में कैसे होती है एग्जिट एग्जॉस्ट गैस सर? कैसे फोर स्ट्रोक में? फोर स्ट्रोक में सर एग्जॉस्ट वाल्व से वाल्व मैकेनिज्म होता है ना उसमें, तो एग्जॉस्ट कैसे होता है? सर एग्जॉस्ट 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 पोर्ट से बाहर होगा, एग्जॉस्ट वॉल से आउट होगा ना एग्जॉस्ट. अच्छा ये बताइए, ये सुपर चार्जिंग के बारे में कुछ बता दीजिए. यस सर, सर सुपर चार्जिंग होती है सर, हाई प्रेशर एयर को हम प्रोड्यूस करवाते हैं इंजन को. उसमें भी दो केसेस होते हैं, एक तो हम क्रैंकशाफ्ट से पावर लेके कंप्रेसर को देंगे, तो एक अनदर मैकेनिज्म होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उसको हम टर्बाइन में यूज करेंगे और वो टर्बाइन जो है कंप्रेसर को रन करेगी और उसको बोलते हैं टर्बो चार्जर. इसमें एफिशिएंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है सुपर चार्जिंग में? सर एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी क्योंकि हम एग्जॉस्ट गैसेस को यूटिलाइज कर लेंगे ना टर्बाइन को रन करने में. टर्बो चार्जर की बात नहीं कर रहा, सुपर चार्जर की बात कर रहा हूं. सर इसमें तो हम क्रैंकशाफ्ट से ही पावर लेंगे तो फिर एफिशिएंसी तो थोड़ी कम होनी उस हिसाब से. नॉर्मल जो इंजन है उसके कंपैरिजन में सुपरचार्जर की एफिशिएंसी कम होती है, ये बोल रहे हैं आप? नहीं सर, एफिशिएंसी तो बढ़ाता है सुपरचार्जर. कैसे? सॉरी सर, हाई कंप्रेशन एयर हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे ना आउटलेट में, उससे एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें. चलिए मैं आपको फीडबैक देता हूँ अमन. यस सर. ऐसा है कि तुम्हें नॉलेज तो है लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो, इसका मतलब है कि 3-4 बार मैराथन सुनना पड़ेगा. सुना है आईसी इंजन का मैराथन? सर मेरे नोट्स भी बनाए हैं उसके आईसी इंजन के मैराथन. तो मैंने वहां बड़े क्लियरली बोला था कि साइकिल जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, साइकिल में कंप्रेशन रेशो 2 भी रख सकते हो तुम, थ्योरी तो रखना है. ओके सर. आर की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 1-1/R^γ-1. आर की वैल्यू तो कुछ भी ले लो, साइकिल में क्या प्रॉब्लम है उसमें? अब नॉर्मल कंबशन थोड़ी हो जाएगा पेपर के ऊपर. yes. वो तो इंजन में होगा ना. पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ डीजल, इसलिए डीजल इज मोर एफिशिएंट इंजन. बट ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल में एनीथिंग कैन बी मोर एफिशिएंट इफ कंप्रेशन रेशियो इज सेम, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट. एंड माय क्वेश्चन वाज व्हिच साइकिल इज मोर एफिशिएंट, हाउ मच इज द परसेंट ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है? तुमने आंसर दिया पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है. ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है? कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है? डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है? सर ये तो डिपेंड करता है पैरामीटर्स के ऊपर, फार्मूला है मेरे पास. यस सर. 1-T2/T1 वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा सर. तो यहां से तुम गड़बड़ स्टार्ट कर दिए, फिर गड़बड़ चलती गई. तो क्या है, ये तो इंटरव्यू से बाहर चले जाओगे, ये जो मैंने इंटरव्यू लिया अभी तुम्हारा, इसमें तुम बाहर चले जाओगे. लेकिन अब क्या करो, आईसी इंजन का बार बार सुनो. मैराथन्स को, एक मैराथन्स को कम से कम 3-4 बार सुनना पड़ता है, एक ही मैराथन को. वो 3-4 घंटे का है, 3 घंटे का है आईसी इंजन का, उसको 3-4 बार सुनो. इस क्वेश्चन का आंसर वहां मिल जाएगा, सुपर चार्जर ज्यादा एफिशिएंट क्यों है, इसका आंसर भी वहां मिल जाएगा. मैं टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर का नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नॉर्मल से सुपर चार्जर का
क्योंकि सर यू एड हीट एट हायर टेम्परेचर, अवेलेबल एनर्जी इज मोर, सो थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो यू नीड टू नो. यस.